तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ मेडिटेशन की मतलब ध्यान का आध्यात्मिक नियम या आध्यात्मिक नियम ध्यान लगाने के बारे में मेडिटेशन के बारे में ये इसलिए होता है ताकि हम अपने अंदर अपने भीतर अपनी आत्मा से जुड़ें अपने ईश्वर से जुड़े आमतौर पर ये एक व्यक्तिगत अनुभव है ये शब्द इस स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया के साथ साथ स्वयं स्थिति को भी संदर्भित कर सकता है ध्यान शब्द के कई अर्थ है जो इसके उपयोग के संदर्भ पर निर्भर करते हैं ध्यान का उद्देश्य और इरादा ईश्वर या रचेता से ब्रह्मांड से के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान के बीज देने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त समय तक बंदर बकबक बक करना नहीं है बल्कि बंदर बकबक बक से बचना है मतलब बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे दिमाग में 24 घंटे पचार 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 चलती रहती है ना आज काम पे ये हुआ घर में ये हुआ बिल्डिंग में ये हुआ सोसाइटी में ये हुआ फ्रेंड नहीं बोला आज परिवार नहीं बोला कच्चर 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 उस दिन ये हुआ था कल ये होने वाला है मतलब साठ हजार ख्याल आते हैं एक इंसान के दिल में एक दिन में और एक पल में भी कई सारे ख्याल आते हैं और ये ख्याल जो होते हैं ये इंसान के मन को शांत होने नहीं देते जिसके वजह से इंसान मानसिक तौर पे थक जाता है क्योंकि जिंदगी में इतनी सारी अनुभव इतने सारे अनुभव होते हैं तो ध्यान में जाने का मतलब है कि अपने मन को और दिमाग को शांत करना ताकि आप अपने ईश्वर से जुड़ सकें कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से बातें करते हैं लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम भगवान की बात या उसकी दी हुई प्रेरणा या उसका दिया हुआ मार्गदर्शन जानने के लिए और सुनने के लिए ध्यान लगाते हैं उसके अलावा शांत क्षणों के दौरान हम प्रेरणा और सवालों के जवाब के लिए अपने मन को अपने दिमाग को खुला रखते हैं ताकि भगवान हमें ये भेज सके अः अपने पास उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने का अवसर मिलता है ध्यान में यहीं पर हम अपने सच्चे स्वरूप को पाते हैं क्योंकि हम भी ईश्वर का हिस्सा हैं और एक तरह से अपने आप में हम भी ईश्वर हैं रचेता हैं तो हम जब अपने ईश्वर से मिलते हैं तो हम अपने हायर सेल्फ से भी मिलते हैं और हमें सही रास्ता मिलता है जिंदगी में ध्यान हमारे दिव्य स्वतः का विस्तार करने की अनुमति देता है मतलब हायर सेल्फ ध्यान करने के बहुत सारे सैकड़ों तरीके हैं हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है ध्यान लगाने का हर इंसान की सभ्यता उसके संस्कार उसकी उसके धर्म उसके हिसाब से हर इंसान अलग अलग तरीके से ध्यान लगाता है जैसे उन्हें सिखाया गया हो बहुत प्राचीन समय से इसका अभ्यास किया जा रहा है और ख़ास करके जो मॉनिस्ट्रीज होती हैं मतलब के जो मॉन्क्स होते हैं टिबन मॉन्क्स Uh, या जो मठ में रहते हैं लोग सनातन धर्म में भी पहले मठ हुआ करते थे जहाँ पर लोग रहा करते थे और ध्यान लगाया करते थे uh, एक बहुत ही पुरानी फिल्म है 1950s की जिसका गाना था वंदे मातरम उसके अंदर उन मठों के बारे में बताया गया था जहाँ लोग मठ में किस तरह की जिंदगी जीते हैं वो गाना है ना वंदे मातरम 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 मा ये आ, उस जमाने की बात है जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई वगैरह की बातचीत थी तो उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी तो उसमें मुझे अभी तक याद है मैंने बचपन में देखी थी लेकिन उसमें मठ में रहने वाले सभी लोग भी इस आ, इस युद्ध में आ, साथ दे रहे थे और जुड़ गए थे आम आगे आ, कहते हैं कि अधिक से अधिक डॉक्टर लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर अस्थमा और बहुत सारी ऐसी बीमारियों के लिए मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं जैसे इंसोमनिया हो गया तो ध्यान किसी भी इंसान को शारीरिक भावनात्मक और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करता है और ये बहुत ही आसान तरीका है कुछ दिनों से मैं थोड़ी अः मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं परेशान थी लेकिन मैंने कल जब मैंने मेडिटेशन की और मेडिटेशन करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखें बंद हों मेरी आंखें खुली थी और मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी और बहुत कुछ मेरे मन में चल रहा था जिस दौरान मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातों का एहसास हुआ अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातों का एहसास हुआ और मैं अपने आप को जानने की अपने हालात को जानने की कोशिश कर रही थी और ईश्वर से अ सलाह मांग रही थी गाइडेंस मांग रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात अट्रैक्ट क्यों किए जो कुछ हफ्ते भर से ग्रुप के लोगों को पता है तो चल रहा है तो मैं मेरा फोकस ये था कि मेरे अंदर जो उपद्रव है वो क्या मेरे सामने आ रहा है और अगर ऐसा है तो क्यों सामने एक बाल्टी पड़ी थी पानी की भरी हुई और पंखे पंखे पंखा बेडरूम में में था मैं बाथरूम थी पंखे के हवा से उस पानी में लहरें उठ रही थी और मैं उस पानी के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही थी और उसको कह रही थी शांत हो जाओ फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरी सांस बहुत विचलित है तो पानी कैसे शांत होगा तो मैंने अपनी सांस को के ऊपर ध्यान देकर उसको उसमें ठहराव लाने की और शांति लाने की कोशिश की उसके बाद आ, धीरे धीरे मैं इस चीज के इन इस इन प्रश्नों के ऊपर जब मेडिटेट करने लगी तो मुझे बहुत सारी बातों का एहसास हुआ कि मैं तो फालतू में टेंशन ले रही हूँ मेरी तो प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम तो लोगों की है मैं मुझे तो पता है मैं क्या कर रही हूँ प्रॉब्लम तो अनजान लोगों की है जो अध्यात्म सीखने के चक्कर में इधर उधर 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 भटक रहे हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आपको जुकाम है आप एक डॉक्टर के पास गए तो उसके बाद सुबह एक डॉक्टर के पास गए तो शाम को दूसरा डॉक्टर दोपहर को तीसरा अगले दिन सुबह चौथा ऐसा तो नहीं करते हो ना जब तक एक डॉक्टर की तीन दिन लग के दवाई नहीं करोगे चाहे वो आयुर्वेद हो नेचुरोपैथी हो या एलोपैथिक हो तब तक आप ठीक नहीं होने के ज़्यादा ज़्यादा से जादा एक हफ्ता लेकिन कोई भी दवाई लग के एक हफ्ता करने की जरूरत है उसी तरह से जब आप किसी आध्यात्म के एक रास्ता पकड़ते हो तो आप पहले उस एक रास्ते को ढंग से समझ तो लो दस जगह टांगे फैलाओगे दो नाव में पैर रख के तो कोई भी पार नहीं उतरा खास करके अगर एक नाव उत्तर में जा रही हो और दूसरी दक्षिण में कैसे पार उतरोगे आप तो इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही तो ये तो उनकी फ्री वेल मैं क्या कह सकती हूं ठीक है जाओ पचास जगह तो उपचार जो है अपने मन का अपने शरीर का वो भी मेडिटेशन के द्वारा बहुत सारी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल मानसिक तौर पे मेरे मन में उत्पद्रव था भावनात्मक तौर पे था मेडिटेशन किया और मैं शांत हो गई क्यों क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए मेडिटेशन के द्वारा बहुत सारे हीलिंग प्रोसेसेस हैं मोडालिटीज हैं जैसे रेकी है थीटा है और भी हैं मेडिटेशनल प्रोसेस के द्वारा भी इंसान का शारीरिक उपचार भी होता है खास करके जब आप प्राणायाम करते हो मेडिटेशन में जब आप सूर्य नमस्कार करते हो किसी तरह का योगा करते हो तो वो मेडिटेशन ही है। योग क्या करता है आपको शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तौर पे संतुलित करता है वो आंखें खुला रख के होता है साथ में म्यूजिक चल सकता है और आप अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करके कौन से आसन में ये आपने सांस अंदर लेनी है कौन से आसन के दूसरे चरण में सांस बाहर छोड़नी है इस तरह से जब आप मेडिटेटिव स्टेट में योगा करते हो आंखें खुली रखते हुए तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं दुनिया के महान धर्मों की परंपराओं में मेडिटेशन और ध्यान लगाना एक निहित कार्य है वास्तव में आ, मैं आगे पढ़ती हूँ ध्यान तकनीकें दुनिया भर के विविध संस्कृतियों और लोगों का उत्पाद है वास्तव में व्यावहारिक रूप से सभी धार्मिक समूह किसी न किसी रूप में ध्यान का अभ्यास करते हैं पीड़ा को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए ध्यान का महत्व हजारों वर्षों से जाना और अभ्यास किया जाता रहा है ध्यान करने का सबसे सरल जो मैंने सीखा है जो मैं करती हूँ आजकल पहले मैं मंत्र करती थी अब वो लंबे लंबे मंत्र करके मैं थोड़ा सा चेंज change, like तो मैं क्या करती हूँ सांस को सांस में ठहराव लाए धीरे धीरे प्यार से सांस अंदर और बाहर उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया कौन से नॉस्ट्रल से लेफ्ट या राइट से अंदर जा रही है बाहर जा रही है अंदर जा रही है तो ठंडी है बाहर आ रही है तो गर्म है किस तरह से है उस पर ध्यान दिया अपने नोज के टिप पर ध्यान दिया रिलैक्स किया और उसके बाद बोलने का एक तरीका जो मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर करती हूँ कि सारे गामा के सुर में मैं ओम को बोलना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे मेरे सातों चक्रों से ओम निकलता है ओम। 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 एंड देन ऊपर से आप वापस आ सकते हैं जहां ऊंचे स्वर से नीचे के स्वर पे ओम को लेकर आए इससे मेरे संगीत का रियाज भी हो जाता है और मेडिटेशन भी सो यू कैन ट्राई दिस आउट इफ यू वांट मीनवाइल लॉ ऑफ मेडिटेशन खत्म हुई और अब हम आपसे विदा लेते हैं